हेलो गाइस, वेलकम बैक। फाइनली यहाँ पर रेडमी के नोट 9 प्रो डिवाइस के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। MIUI 12.5 सीरीज का अपडेट आपको मिलता है। तो लास्ट अपडेट था 12.5.2.0, वहाँ पर नवंबर का काफी पुराना सिक्योरिटी पैच लेवल था, बट ये अपडेट आपको मिलता है MIUI 12.5.4.0 का। ऊपर कॉर्नर पर आप देख सकते हैं एनहेंस्ड मेंशन आपको मिलता है। तो ये अपडेट MIUI 12.5 एनहेंस्ड एडिशन का प्रॉपर फाइनल अपडेट आपको मिलता है। स्टेबल अपडेट है, 558 MB अपडेट का साइज है। MIUI 13 का अपडेट भी काफी जल्दी आपको मिलेगा। तो MIUI 13 कब आएगा, वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आज हम वीडियो में इस अपडेट के चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अपडेट के बाद डिवाइस में काफी न्यू चेंजेस ऐड हुए हैं, साथ में इसका रिव्यू करेंगे। एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर, सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट, परफॉर्मेंस, गेमिंग की, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऐप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड कैसे आपको मिल जाती है, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। तो फाइनली यहाँ पर एक न्यू अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो पे एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। और गाइस, अगर आपको Redmi की Note 11 सीरीज, Realme की 9 Pro सीरीज, Vivo, OnePlus इन ब्रांड्स की अगर आपको वीडियोस देखनी है, कंपैरिजन टिप्स एंड ट्रिक की, बैटरी, चार्जिंग, गेमिंग, तो सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यू अपडेट के बारे में, तो लास्ट अपडेट था 12.5.2.0, नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल था, बट ये अपडेट आप देख सकते हैं 12.5.4.0 का अपडेट आपको मिलता है। 558 MB का अपडेट है। तो ये अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके डिवाइस में नहीं मिला, विद इन 1 वीक आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल इसकी OTA या फिर फुल रोम की डाउनलोड लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें अपडेट के चेंजेस के बारे में, यहाँ पर अबाउट फोन में जैसे आप जाएंगे, सबसे पहले MIUI 12.5 का लोगो आपको मिल जाता है। 3D टाइप आपको ट्रांसपेरेंट मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल चेंज आपको मिलेगा, नवंबर से जो कि लास्ट ईयर का था, उससे अभी जनवरी का लेटेस्ट इस साल का आपको मिल जाता है। जल्दी और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिले, और जल्दी यहाँ पर MIUI 13 का अपडेट भी रोल आउट होगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग बताया गया क्वार्टर सेकंड में 2022 में रोल आउट होगा, यानी अप्रैल मई जून के आसपास जो अपडेट है वो रोल आउट स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा चांसेस है मई के अंदर यहाँ पर अपडेट रोल आउट हो, और इस अपडेट का चेंज लॉग भी बाकी अपडेट्स की तरह सिमिलर आपको मिल जाता है। ऑप्टिमाइज किया गया सिस्टम परफॉर्मेंस को, साथ में स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। बाकी यहाँ पर चेंजेस नहीं आपको मिलते हैं, बट इसमें मेंशन नहीं है, बट सेटिंग में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर जरूर आपको मिलता है, जो कि लास्ट अपडेट में ऑलरेडी ऐड था, बट यहाँ पर कितना रैम यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है तो वो आपको प्रॉपरली शो नहीं करा था। बट अभी अगर आप जाएंगे अबाउट फोन में ओल्ड स्पेक्स के अंदर साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर रैम के अंदर प्रॉपरली आपको शो करता है 4 GB के साथ प्लस 1 GB, या 6 GB रैम वेरियंट है तो प्लस 2 GB, तो कितना यहाँ पर रैम एक्सटेंड हुआ है तो ये प्रॉपरली शो करते हैं। ज्यादा कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स नहीं है, थोड़ा बहुत वर्चुअल रैम का इंप्रूवमेंट आपको मिल जाता है, 5-7% आप मान सकते हैं डे टू डे लाइफ में। बाकी अगर हम चेक करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे सिक्योरिटी ऐप में, तो इसका लेआउट आप देख सकते हैं। बैटरी के अंदर थोड़ा चेंज आपको मिलेगा, पावर, बैलेंस्ड एंड परफॉर्मेंस मोड, तो इसको आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसमें स्विच कर सकते हैं। डिफरेंट कलर ऑप्शन है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, तो जैसे आप यहाँ पर स्विच करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर चेंज एनिमेशन भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर पावर या बैलेंस्ड मोड पे आप रख सकते हैं, थोड़ी बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़िया आपको मिलेगी। और इसके नीचे जो बैटरी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो आपको मिलती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और बैटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इश्यू यहाँ पर डिटेक्ट करता है, इस पर टैप करके जो प्रॉब्लम है स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं, इतना टाइम ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में जो लेटेस्ट गेम टर्बो है वो भी अनेबल हो जाएगा, स्क्वेयर बॉक्स में आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको काफी सारी एप्लीकेशन में फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट आपको मिलता है, टाइमर का ऑप्शन है, FPS वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अभी के लिए यहाँ पर डिसअपॉइंटेड वाली बात है, वॉइस चेंजर का फीचर तो अनेबल नहीं हुआ है, और अभी काफ़ी कम चांस है कि वॉइस चेंज का फीचर अनेबल हो, क्योंकि अभी डिवाइस थोड़ा पुराना हो चुका है। बट यहाँ पर गेम टर्बो में जो बाकी फीचर्स हैं वो सारे अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर सिंपली आपको अनेबल करना है जिस भी एप्लीकेशन में वीडियो टूल बॉक्स आप अनेबल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये एप्लीकेशन में अनेबल कर लिया है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो टूल बॉक्स है वो भी स्क्वेयर बॉक्स में आपको मिल जाता है। तो अगर आपके डिवाइस में ये ऑप्शन चेंज हो चुके हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, बैटरी का ऑप्शन चेंज नहीं हुआ तो ऐसे में जो सिस्टम लॉन्चर उसको अपडेट कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, MI की जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसको आपको अपडेट करना है, जैसे बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो वैसे ही आपको इंस्टॉल करना है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, मैंने सबका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। सिक्योरिटी ऐप का अपडेट कीजिए तो ये चेंजेस आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो वॉल्यूम स्लाइड बार है, अगर पहले लास्ट अपडेट में मुझे ध्यान नहीं ये फीचर यहाँ पर ऐड हुआ तो काफ़ी अच्छी बात है, तो ये अपडेट में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो टाइमर का ऑप्शन है, यहाँ पर साइलेंट मोड है एंड जो D&D मोड है, टाइमर आप सेट कर सकते हैं 30 मिनट से लेकर 4 घंटे, 8 घंटे, जैसे आप सेट करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा एंड ऑफ भी हो जाएगा जो आपने टाइमर सेट किया इसके बाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपडेट के बाद डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में,
तो सबसे पहले यहाँ पर ऐप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम स्मॉल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जैसे सेटिंग है, प्ले स्टोर वगैरह और बाकी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, काफ़ी इंस्टेंट परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रोसेसर वो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 720 जीगा चिपसेट एंड इसमें जो बेंचमार्क स्कोर है 3 लाख के अप्रोक्स आपको मिल जाता है। तो बेंचमार्क स्कोर काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है और जो इंडिविजुअल स्कोर है वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं काफ़ी सही आपको मिलता है। पहले आज से अगर हम 2-3 अपडेट पहले बात करें तो वहाँ पर 2.5 लाख के अप्रोक्स था, बट अभी आप देख सकते हैं 3 लाख के अप्रोक्स आपको मिल जाता है। और अगर आपके डिवाइस में कोई मेजर इश्यूज़ है तो ऐसे में अबाउट फोन में जाइए, फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन है, वहाँ पर इरेज और डाटा कीजिए, साल में 1-2 बारी आप कर सकते हैं, डाटा इरेज होगा बट परफॉर्मेंस 10-15% इंक्रीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम मल्टी टच टेस्ट करें तो यहाँ पर टच रिस्पॉन्स में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो 10 फिंगर का सपोर्ट है या फिर नहीं, 5 यहाँ पर फिंगर है प्लस यहाँ पर दूसरी फिंगर भी रख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 फिंगर का सपोर्ट एक साथ आपको मिल जाता है। BGMI अगर आप प्ले करते हैं वहाँ पर भी टच रिस्पॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई फिंगर से आप प्ले करते हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर हम चेक करें 15 मिनट का CPU थ्रोटल टेस्ट हमने किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सही परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, परसेंटेज आप देख सकते हैं एंड जो ग्राफ है अप की तरफ आपको मिल जाता है, मोस्टली स्टेबल है, ग्रीन आपको मिलता है, येलो या फिर रेड नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलता है। तो डिवाइस भी अभी थोड़ा पुराना हो चुका है, CPU थ्रोटल टेस्ट भी काफ़ी सही है, बेंचमार्क स्कोर भी सही आपको मिल जाता है। और अभी उम्मीद करते हैं इसके बाद जो डायरेक्ट अपडेट आए MIUI 13 का आपको मिलेगा। 2 से 2.5 महीने आपको अभी के लिए मिनिमम वेट करना पड़ सकता है MIUI 13 के अपडेट के लिए। बाकी अगर एक और अपडेट आता है MIUI 13 से पहले, बाकी देख लेते एक और अपडेट मैक्सिमम आ सकता है या फिर डायरेक्ट MIUI 13 का अपडेट मिलेगा। तो जैसे और कोई अपडेट आता है तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपको ये अपडेट कैसा लगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर BGMI के बारे में तो यहाँ पर गेम ओपन करते हैं तो हैवी एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करेंगे तो लगभग 1.5 से 2 या 3 सेकंड का टाइम लग जाता है इसको ओपन करने में, बट जो यहाँ पर स्मॉल एप्लीकेशन है इंस्टेंट ओपन हो जाती है। तो इसकी परफॉर्मेंस पहले की तरह सिमिलर है, ज़्यादा कुछ एज सच मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं है। यहाँ पर जो ग्राफिक सेटिंग्स है पहले की तरह सिमिलर आपको मिल जाती है। FPS यहाँ पर मोस्टली स्टेबल नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर 5-10 यहाँ पर ड्रॉप रहता है। तो ये आपको BGMI की सेम परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है इस अपडेट के बाद भी, अभी के लिए अपडेट आपको मिल जाता है। अगर हम चेक करें फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक को तो अपडेट के बाद आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस काफ़ी सही है, टच करते हैं यहाँ पर तुरंत स्क्रीन अनलॉक हो जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर फेस अनलॉक भी आप देख सकते हैं कैमरा के पीछे, लेकिन फेस अनलॉक फिर भी काफ़ी सही काम करता है। तो बहुत फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी सही है इस अपडेट के बाद। और अगर हम बात करें कैमरा के बारे में तो अपडेट के बाद आप देख सकते हैं कैमरा में एज सच कोई न्यू इंप्रूवमेंट या फिर फीचर यहाँ पर अभी के लिए मुझे नोटिस नहीं हुआ है। कैमरा पहले की तरह सिमिलर आपको मिल जाता है, वीडियो फोटो के अंदर आप देख सकते हैं वही सेम पुराने ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर MIUI 13 में 1-2 ऑप्शन यहाँ पर ऐड होगा कैमरा में, अभी के लिए यही आपको मिलता है। बाकी यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल कैप्चर के ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभी के लिए अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद परफॉर्मेंस पहले की तरह सिमिलर ही लग रही है। थोड़ी बहुत यहाँ पर जो डिटेलिंग अगर आप जूम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेलिंग यहाँ पर मिसिंग रहती है, बट यहाँ पर जो ऑल ओवर फोटोज़ हैं काफ़ी सही कैप्चर कर लेता है, आपका काम चल जाएगा अगर बैक कैमरा फ्रंट कैमरा की बात करें तो। ये यहाँ पर इस अपडेट के बाद कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। और अगर आपको ये अपडेट अभी तक आपको नहीं मिला तो सेटिंग में अपडेट ऐप में जाइए, चूज अपडेट पैकेज से जो फाइल आपने डाउनलोड किया टैप कीजिए एंड 5 मिनट के अंदर अपडेट हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, ऑफिशियल मेथड है, कोई डाटा इरेज नहीं होगा। तो ये अपडेट आपको मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताइए आपकी डिवाइस में अपडेट मिला या फिर नहीं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी न्यू कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।